सो गाइस शिमला से सीधे बस ली मैंने गंडल के लिए, क्योंकि गंडल वैली ब्रिज यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। और कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे दिल्ली मेट्रो में हम लोग एक से दूसरी मेट्रो चेंज किया करते, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचली टफ मैन में। सो दोस्तों, आज मैं पहुँच चुका हूँ शिमला, और आज बेसिकली मैं अपने मोबाइल की रिपेयर के लिए आया हूँ। थोड़ा सा मेरे मोबाइल में ख़राबी हो गई है, और बेसिकली भाभी जी भी थोड़े बहुत बीमार हैं, तो उनसे भी यहाँ पर हॉस्पिटल में मिलने आया हूँ। सो गाइज़, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं से शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो सीधे लिए चलते हैं आपको दोस्तों संजौली। सो गाइज़, मैं पहुँच चुका हूँ संजौली, और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग केयर सेंटर में करवा लिया है मैंने काम, और यहाँ से जाऊँगा मैं सीधा शिमला मॉल रोड की, मॉल रोड और रिज मैदान की तरफ। ये देखते हैं यहाँ पर रास्ता, और इस तरफ को है संजौली। संजौली काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है गाइज, तो सीधे लिए चलते हैं आपको मॉल रोड की। सो गाइज़, संजौली से लेकर अपने IGMC तक कुछ इस तरह की बेहतरीन रेलिंग्स और एक फुटपाथ बना हुआ है चलने के लिए, बहुत ही शानदार बनाया गया, काफ़ी मजबूत और बेहतरीन। और यहाँ पर है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर है बस स्टैंड संजौली का, लकड़ बाजार वाला, लकड़ बाजार की तरफ जो जाती है बसें। और इससे आप कुछ इस तरह का फुटपाथ यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से इसका निर्माण आजकल चला हुआ है। तो गाइस, चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ संजौली कॉलेज। यहाँ देखते आप कुछ इस तरह का कॉलेज का गेट, और कुछ इस तरह से यहाँ से IGMC दिखता है गाइस। इससे आप आगे की तरफ आपको देख सकते हैं। फाइनली गाइस, काफ़ी मशक्कत के बाद, पैदल चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, IGMC जिसको कहा जाता है। और अभी मैं जाऊंगा अंदर, वहां पे भाभी जी से मिलूंगा, क्योंकि उनके हाथ कटा हुआ है, तो उनसे मिलकर दोस्तों वापस आऊंगा अंदर। शायद वीडियो ना बना पाऊँ, और बनानी भी नहीं चाहिए आई थिंक हॉस्पिटल में वीडियो। तो सीधे चलता हूँ अंदर की तरफ, और मिलता हूँ आपको आपसे ब्रेक के बाद। तो गाइज़, यहाँ पर हालचाल पूछने के बाद भाभी जी का, अब मैं जा रहा हूँ शिमला मॉल रोड की तरफ, रिज मैदान की तरफ, और आज आपको दिखाऊंगा रिज मैदान और किस तरह का आजकल क्राउड यहाँ पर है। सो सीधे लिए चलते हैं आपको आगे की तरफ। सो गाइज़, फाइनली काफ़ी चलने के बाद अभी मैं थक चुका हूँ, और कुछ खा लिया जाए मोमोज़, और बिल्कुल मनचंदा स्टोर के पास भाई के बहुत ही शानदार मोमोज़ भाई साहब बनाते हैं, तो यहाँ पर सोचा मोमोज़ खा लिए जाए। सो आपसे मिलता हूँ आगे की तरफ, मोमोज का आनंद लिया जाए। लेट्स गो एंड ईट सम मोमोज। सो गाइज, मोमोज खाने के बाद यहाँ पर खा रहा हूँ मैं राजमा चावल, और बहुत ही अच्छे यहाँ पर बहन ने राजमा चावल और कड़ी चावल बनते हैं, सोचा इसका भी आनंद लिया जाए, सो खा लिया जाए। सो दोस्तों, राजमा चावल और मोमोज खाने के बाद कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से IGMC का दिखता है, बहुत ही बड़ा IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। और दोस्तों, अब चलते हैं आगे की तरफ, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट व्यू शिमला मॉल रोड रिज मैदान का। सो गाइस, रास्ते में एक भाई साहब, राजस्थानी भाई साहब, बहुत बेहतरीन ट्यून्स बजा रहे थे, तो उनसे मैंने कुछ डिमांड रखी और उन्होंने मेरी डिमांड को पूरा किया। तो आप भी सुनिए इस बेहतरीन ट्यून को। सो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं लकड़ बाजार मार्केट। सो किस कुछ इस तरह की है मार्केट है लकड़ बाजार मार्केट, और काफ़ी फेमस है अपने विभिन्न तरह के लकड़ी के सामान के लिए।
और काफ़ी बेहतरीन छोटी छोटी शॉप्स यहाँ पर लकड़ी के सामान की है। और ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। सो फाइनली गाइज, काफ़ी मशक्कत के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं रिज मैदान शिमला। और कुछ इस तरह का क्राउड आजकल शिमला में है, बरसातों में इतना क्राउड नहीं होता, लोकल लाइट सी हिमाचल प्रदेश के होते हैं। और यहाँ पर साथ में ही पेड़ के साथ अंकल जी बहुत बेहतरीन नमकीन बनाते हैं, भिन्न भिन्न तरह की, ये देख सकते हैं आप। सो इनके पास आमतौर पर रश होता है, लेकिन आजकल लोकल लोग ही हिमाचल के शिमला के यहाँ पर आते हैं शिमला मॉल रोड में। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का माहौल अभी शिमला मॉल रोड का है। और गाइस, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं आइसक्रीम। सो थोड़ी सी आइसक्रीम का भी आनंद लिया जाए। सो आइसक्रीम खा ली जाए और सीधे लिए चलते हैं आपको आइसक्रीम काउंटर की तरफ। लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम। सो गाइस, यहाँ पर खा ली जाए सॉफ्टी। सो ये इसलिए आप कुछ इस तरह का फ्लेवर। फाइनली गाइज, बेहतरीन सॉफ्टी खाने के बाद अभी निकल रहा हूँ मैं घर की तरफ। सो बाया कैंडल पॉइंट होते, लोअर बाजार होते, आपको बस स्टैंड तक का भी दृश्य दिखा ही देता हूँ किस तरह का यहाँ का सफ़र रहता है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट से ले रहा हूं मैं लेफ्ट टर्न और यहां से आगे से लूंगा मैं राइट टर्न। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं लोअर बाजार की मार्केट में और कुछ नई दुकानें यहां पर बन रही है गाइस। ये इस्ते आप बनकर तैयार हो चुकी है मार्केट। सो लोकल लोगों का आजकल काफ़ी क्राउड रहता है, टूरिस्ट कम है, लेकिन लोकल लाइट्स भी शिमला में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस वजह से क्राउड कुल मिलाकर यहाँ पर रहता ही रहता है। और सामने बिल्कुल साथ ही यहाँ पर दोस्तों टनल है, ये रास्ते आप सामने या सीधी निकलती है लक्कड़ बाजार की तरफ को। सो अब लिए चलते हैं आपको नीचे बस स्टैंड की तरफ को। लेट्स गो। सो गाइज़, ये रास्ते आप कुछ इस तरह से नई मार्केट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये रास्ते आप अभी मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, सोचा आपके लिए थोड़ी बहुत वीडियोस यहाँ से भी बना दूँ। रास्ते आप कुछ इस तरह की दुकानें बनी हुई हैं। सो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने पुराने बस स्टैंड शिमला। ये रास्ते कुछ इस तरह का पुल यहाँ पर बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ से भी शिमला का दिखता है। सो अभी चलते हैं नीचे की तरफ और लेते हैं अब घर के लिए बस, और ब्लॉग को भी जल्द ही एंड करने वाला हूँ। सो ये चलता हूँ आपको बस स्टैंड की तरफ।
सो गाइस, शिमला से सीधे बस ली मैंने गंडल के लिए, क्योंकि गंडल वैली ब्रिज यहाँ पर गिरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है जैसे दिल्ली मेट्रो में हम लोग एक से दूसरी मेट्रो चेंज किया करते, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर यात्री जा रहे हैं एक बस से दूसरी बस की तरफ और काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पर दे रहा हूँ मैं होता गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक टाइम में होते हैं। सो यहाँ से नेक्स्ट बस आगे की तरफ ली जाएगी अपने होटल की तरफ। सो लेट्स गो। सो दोस्तों, यहाँ पर आपको वैली ब्रिज का कार्य भी आपको बता दूँ कि कितना सा कार्य अभी पेंडिंग बचा हुआ है। यह यहाँ पर मिक्सचर मशीन खड़ी हुई है और आपको दिखाता हूँ कितने दिन और शायद लग सकते हैं ये रिश्ते दोस्तों। आप सो नीचे तरफ अगर कैमरा घुमा कर देखूँ तो ये रिश्ते आप तो 4-5 दिन का कार्य अभी इस ब्रिज को ठीक होने में बचा है। आई थिंक 4-5 दिन में यह रेडी हो जाएगा, लेकिन अब कितने दिन में इसमें गाड़ियाँ चलेगी ये प्रशासन के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन आई थिंक बहुत जल्द यह रेडी हो जाएगा जितना कार्य को लग रहा है। सो आगे मैं बस लेता हूँ गाइस, लेट्स गो। सो गाइस, ये देखते आप कुछ इस तरह की यहाँ की तस्वीरें जो अभी कार्य प्रगति पर चला हुआ है। सो गाइस, आज के दिन को, आज के ब्लॉग को यहीं पर ही करता हूँ एंड। और यहाँ से हमारे लिए बस लगी हुई है बस्ती गुनाना बंगोरा तक के लिए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे आगे लेता हुआ मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।